बस्ती पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती सर्किट हाउस में बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्थितियों की जानकारी ली। बस्ती सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारिजात के पौधे का पौधारोपण किया। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री राकेश सचान, डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, MLC सुभाष यदुवंश, हरैया विधायक अजय सिंह, भाजपा बस्ती जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, पूर्व विधायक रवि सोनकर के साथ बस्ती व सिद्धार्थनगर के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गांधीनगर में मल्टी लेवल पार्किंग सहित सड़क सेवार निर्माण हेतु पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने मुख्यमंत्री को सौंपा 3 प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 3 प्रस्ताव सौंपा। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि पालिका द्वारा मालवीय रोड के निर्माण, सिवर लाइन और गांधीनगर में मल्टी लेवल पार्किंग कराए जाने हेतु प्रस्ताव और बजट स्वीकृत कराने का आग्रह किया। बताया कि मुख्यमंत्री ने तीनों प्रस्तावों को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया है। पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि नगर पालिका के समुचित विकास के लिए उनके स्तर पर निरंतर प्रयास जारी है। शहर में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क नाली, खड़ंजा निर्माण के साथ ही सभासदों से विचार विमर्श कर विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। बताया कि शासन स्तर पर कई प्रस्ताव लंबित हैं, उनके स्वीकृति के साथ ही और तेजी से विकास कार्य पूरे कराए जाएंगे। मालवीय रोड के निर्माण हेतु प्रयास जारी है और स्टेशन रोड का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री को 3 प्रस्ताव सौंपने के दौरान नगरपालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी सत्येंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।